हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉम्स कंसल्टिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करवाई थी आपकी रेल ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। तो और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और इसमें मैंने आपको बताया था इस ट्रांसपोर्ट में, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके 5 टाइप्स होते हैं। तो हमारा रेल ट्रांसपोर्ट कल की क्लास में पूरा वाइंड अप हो गया था। तो आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि है रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहला पॉइंट है, इट इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, एंशियंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये बहुत पुराना ये टाइप है ट्रांसपोर्ट का। टुडे ऑल्सो इट इज़ वाइडली यूज ट्रांसपोर्ट। आज के टाइम में भी रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। इट नीड्स लेस इन्वेस्टमेंट एंड मोर फ्लैक्सीबल। देखो, ये जो होता है इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे रेलवे में तो हमें पहले, मतलब अगर कोई ट्रेन, मतलब गवर्नमेंट अगर कोई ट्रेन और निकालना चाहती है किसी रूट से, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है ट्रेन में। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता, आपका कम इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है ना। ये जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप चाहें तो आप किसी भी टाइम अपना सामान ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन रेलवे में क्या होता था, रेलवे में ट्रेन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो आपको उसके हिसाब से ही चलना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। फिर होता है आपका, कैन बी यूज इन सेवरल फॉर्म्स। रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ फॉर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे टू व्हीलर्स, आप टू व्हीलर्स का यूज़ कर सकते हैं। टू व्हीलर्स मतलब जिसमें दो पहिए होते हैं, आप कोई सा भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाइक यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थ्री व्हीलर्स जिसमें थ्री व्हील्स होते हैं, मिनी ट्रक्स आप यूज़ कर सकते हैं, मोटर ट्रक, वैगन ट्रक एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी एडवांटेज भी पढ़ लेते हैं अभी। आई होप आपको ये ईजिली दिख रहा हो। एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट एडवांटेज है, इट सेव्स टाइम इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू शॉर्ट डिस्टेंस। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हो शॉर्ट डिस्टेंस में, मीन्स आपको रुड़की से हरिद्वार ही सामान पहुँचाना है, तो ये आपका टाइम भी बचाता है रोड ट्रांसपोर्ट, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो, अगर आप रेलवे का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सबके स्टॉप, मतलब जो ट्रेन है उसके स्टॉपेज होते हैं, वो बीच में रुक रुक के आती है, तो आपका गुड भी मतलब गुड को भी जो पहुँचने में, जिस जहाँ पे आपको पहुँचाना है वहाँ पे उसको डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी रोड के थ्रू, अगर आप कुछ भी मिनी ट्रक ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो डायरेक्ट रुड़की से हरिद्वार जाएगा, हरिद्वार से रुड़की जाएगा, ठीक है। मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पेरिशेबल गुड्स। देखिए, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब होने का डर होता है, उन गुड्स को जिनको बहुत जल्दी ख़राब होने का डर होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सामान होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इन प्रोडक्ट का क्या होता है, ये बहुत जल्दी ख़राब होने के इनके चांसेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। इन प्रोडक्ट के बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है अगर आप इससे पेरिशेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर होता है आपका, रिक्वायरमेंट ऑफ पैकिंग आर लेस एज कम्पेयर टू अदर मीन्स। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो आपकी जो पैकिंग होती है, अगर हम प्रोडक्ट की पैकिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट में पैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पे आपको बहुत इजी रहता है। अगर हम अलग, और अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्ट की बात करें, उनसे कम यहाँ पे पैकिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, ठीक है। इसमें बस इतना ही है, और ये आई होप आपको दिख रहा हो। लोडिंग एंड अनलोडिंग कैन बी डन एट लेसर कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो लोडिंग मतलब सामान चढ़ाना टेम्पो में, और अनलोडिंग मतलब सामान को उतारना, वो यहाँ पे कम कॉस्ट में ईजिली हो जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। आई होप आपको दिख रहा हो।
फर्स्ट होता है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। देखिए रोड ट्रांसपोर्ट को ऐसा माना जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ड्राइवर भी थक जाएगा, अगर आप उसको बहुत लंबा रूट दे देंगे वो ड्राइवर भी थक जाएगा और शायद डिले भी हो सकता है। फिर आपका मोर चांसेस ऑफ ब्रेकडाउन, देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेकडाउन के। ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि टूट फूट, कि आपका सामान की मतलब अगर सड़क ठीक नहीं है तो आपका जो सामान है वो थोड़ा टूट फूट सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग व्हीकल इज़ वेरी हाई ड्यू टू टैक्सेशन सिस्टम। तो देखिए वैसे तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है रोड ट्रांसपोर्ट में, लेकिन अलग अलग टैक्स आजकल आने लगे हैं जिस वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है व्हीकल की वो यहाँ पे बढ़ जाती है। आई होप आपको ये दिख रहा हो। इट इज़ सीजनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन रेनिंग सीजन रोड बिकम्स अनफिट एंड अनसेफ फॉर यूज़। तो ये बोला गया है कि ये सीजनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि देखिए आप विंटर्स में अगर ज़्यादा कोहरा पड़ता है जब भी आप यूज़ नहीं कर सकते, और जब बारिश होती है जब भी सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो वो सड़क पर चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सड़क ठीक नहीं होते, गड्ढे होते हैं और अनसेफ रहता है ड्राइविंग के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक रोड ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो कल को संडे, आप सब जानते हैं संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती है, तो मंडे को मैं आपको थर्ड टाइप करवाऊंगी ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने आपको सारा चार्ट ग्राफ मतलब ग्राफ कह रही हूँ मैं चार्ट बनवाया था, ये देखिए ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। हमारा ये वाला टाइप हो गया, ये वाला टाइप हो गया, अभी एक दो तीन तीन टाइप और बच रहे हैं, हम वो कल की मतलब मंडे की क्लास में करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।